बाद लेबनान, हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों पर इसराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने हूती विद्रोहियों के एक के बाद एक कई ठिकानों को निशाना बनाया और बम बरसाए। इन हमलों में तीन और बड़े फिलिस्तीनी आतंकियों के ढेर होने की खबर है। इससे दो दिन पहले इसराइल के ही हमलों में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह समेत 10 से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया में छपे रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ने अपने आधिकारिक चैनल बयान जारी करते हुए इन तीनों के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। इन सभी आतंकियों की मौत बेरूत के कोला जिले के एक अपार्टमेंट में इजरायली एयर स्ट्राइक में हुई। वही फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 29 सितंबर के हमले में 105 फिलिस्तीनियों ने जान गंवाई है, जबकि 359 लोग घायल हैं। साथ ही एक आंकड़ा लेबनान ने आम लोगों को लेकर भी जारी किया, जिसमें बीते दो हफ्ते में हुए अटैक में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 6000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिले में से कई को इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। इन इजरायली हमलों में 14 लेबनानी डॉक्टर्स की भी मौत की पुष्टि है। रिपोर्ट की माने तो इसराइल ने 29 सितंबर को यमन के होदेदाई बंदरगाह समेत हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर एक साथ बम बरसाए थे। इसके अलावा रात इस सार में भी हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें उनके एक बड़े ग्रुप का काम तमाम हो गया। आपको बता दें, पिछले दिनों हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर कई हमले किए, एक साथ मिसाइल्स दागी। ऐसे में इसराइल के कई हमलों को जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। होदेइदा बंदरगाह पर हमला करने से शहर की बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। दूसरी तरफ इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्वी और दक्षिणी लेबनान के लोगों से इलाका खाली करने की अपील की है, जिसे इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि हिजबुल्ला और लेबनान पर इसराइल के हमले अभी रुकेंगे नहीं। इसराइल डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के मुताबिक हिजबुल्ला से लड़ाई के चलते उत्तरी इसराइल से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया है। ऐसे में हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इन लोगों के सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजाम नहीं होता। वही बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा जंग को लेकर साफ कर दिया है कि जब तक हमास के लड़ाके सरेंडर नहीं करते, तब तक गाजा में लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही इसराइल हमास द्वारा बनाए गए बंधकों को वापस लेने पर भी जोर दे रहा है। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में कई दौर की बातचीत के बावजूद भी गाजा में सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, और लेबनान में इजरायली हमलों के बाद अब इसकी गुंजाइश भी कम होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में 7 अक्टूबर 2023 से चली आ रही जंग, जिसके अक्टूबर 2024 में भी जारी रहने की संभावना है, वो आखिर कब तक चलेगी।